गंजेड़ी ज्ञान संतों का अपमान। जी हां, समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने गांजे को लेकर एक बयान दिया है जिस पर मच गया है बवाल। अफजाल अंसारी का कहना है कि साधु संत समेत लाखों की संख्या में लोग हैं जो खुलेआम गांजा पीते हैं। जब गांजा कानूनन अवैध है तो इसे पिया क्यों जाता है? भगवान का प्रसाद कहा जाता है और बूटी कहकर गांजा पिया जाता है। अफजाल के इस बयान पर साधु संतों ने कड़ा ऐतराज जताया है। संत समाज का कहना है कि अफजाल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अपनी कौम की चिंता करे, सनातन की नहीं। रिपोर्ट देखिए। अफजाल का गंजेड़ी ज्ञान, कुंभ के संतों का अपमान। ये गांजा को हम कहते हैं, क्या आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो? भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं, तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? कानून अगर बनाना है तो तीन तलाक पर बनाइए, कानून अगर बनाना है तो हलाला पर बनाइए, अपने कौम की बात कीजिए, समस्त हिंदू समाज के विषय में बोलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। एसपी नेता का विवादित बयान, एमपी टू यूपी मचा घमासान। कोई बुराई नहीं है इस बात को स्वीकार करने में। कई मंदिर मठों में हमारी आपकी जिनमें आस्था भी है साधु संतों में, वो लोग भी परंपरागत गांजा पीते हैं। गांजा तो है बहाना, साधु संत निशाना। अफजाल अंसारी शुद्ध रूप से एक आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहने वाले लोग हैं जो लगातार समाज को तोड़ने की बात करते हैं, तो उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हो? साधु संतों का अपमान ही कर सकते हैं। अफजाल के गंजेड़ी ज्ञान पर एमपी से यूपी तक घमासान है। संत समाज ने बयान को अपमान बताया है। एमपी से लेकर यूपी तक सियासी घमासान मच गया है। एसपी ने बयान को सही बताया तो कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन सवाल आता है, इस बयान के क्या मायने हैं? क्या संतों का अपमान करना है या फिर सियासी रोटियां सेकना है? इसी पर करेंगे महाडिबेट। तो गांजे पर अफजाल अंसारी का बयान मध्य प्रदेश से यूपी तक चर्चा में है। सियासत से लेकर संत समाज में घमासान है। अब सवाल ये आता है कि क्या गांजे के बहाने सनातन पर निशाना साधा गया है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। लेकिन पहले वो सवाल देख लेते हैं जिन सवालों पर फोकस करेगी आज की ये महाडिबेट। पहला सवाल रहेगा, क्या गांजे के बहाने सनातन का अपमान करना था नीयत अफजाल अंसारी की? अगला सवाल रहेगा, बयान दे दिया क्या ऐसे ही दे दिया? इसके पीछे की सियासत क्या है, सियासी कहानी क्या है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। कानूनन अवैध है गांजा, तो फिर गांजे का खुलेआम सेवन क्यों और कैसे किया जा रहा है? ये भी बड़ा सवाल है, इस पर भी आज महाडिबेट में बात होगी। तो महाडिबेट इन तीन सवालों के इर्द गिर्द आज रहेगी। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, डॉक्टर राम पांडे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता है, और साथ ही उलेमा बोर्ड एमपी के अध्यक्ष हैं सैयद अनस अली साहब। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है और एक और गेस्ट के जुड़ने का मैं इंतजार कर रही हूं। लेकिन पहले सवाल मेरा डॉक्टर हितेश वाजपेयी आपसे है, किस तरह से देख रहे हैं आप अफजाल अंसारी के इस बयान को? मुझे लगता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं नेता बहुत सोच समझ के बोलते हैं और तिरछा चलते हैं। तो यदि शतरंज में देखें तो सबसे तिरछा चलने वाला व्यक्ति कोई होता है तो वो नेता ही होता है। तो स्वाभाविक है कि उन्होंने कोई धार्मिक बयान नहीं दिया है, उन्होंने धर्म की आड़ लेकर एक सियासत का भरा हुआ बयान दिया है। और हम समझते हैं बहुत अच्छे से, हम सब लोग जानते हैं उज्जैन में जो उज्जैन से आस्था रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं, और अच्छी बात है कि राम पांडे जी बैठे हैं, राम पांडे जी भी उज्जैन के पढ़े हुए हैं, वे स्वयं बहुत अच्छे से जानते हैं कि भांग से हमारे महाकालेश्वर मंदिर में सिंगार भी होता है और हमारे पूजा में, पूजा पद्धतियों में भांग का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो स्वाभाविक है कि वो उन्होंने एक बहुत, जिसको कहते हैं ना, चतुराई से वार किया है हमारी परंपराओं पे, हमारी आस्था पे, क्योंकि उनको मालूम है इस पे वार करने से, इसको टच करने से क्या होगा। तो ये इनका एक बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत चालाकी पूर्ण चतुराई से दिया गया एक वर्ग विशेष को आहत करने वाला बयान है।
और कोई इसमें दो मत नहीं कि हिंदुओं को आहत करने वाला बयान है। अब इस बयान से वो करना क्या चाहते हैं, क्यों टारगेट कर रहे हैं, वैसे ही भाई समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये सब वैसे ही इस बात के लिए बदनाम है कि वे कभी हिंदुओं का पक्ष तो लेते नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस बात को समझा जा सकता है, और ख़ास तौर से जो अफजाल भाई है, हम समझ रहे हैं कि उनकी जो दर्द है वो कहाँ का है, और ये एक डिवीजन क्रिएट करने की बात है राजनीति में, और इसीलिए उन्होंने इस तार को छेड़ा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत सारी हमारी धार्मिक आस्थाएं, पूजा परंपराएं, उस महान का एक विशेष स्थान है। सब कुछ जानने के बावजूद भी इस तरह का बयान दिया है अफजाल अंसारी ने, इसके पीछे की सियासी कहानी क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन स्वामी शरीशानंद गिरी महामंडलेश्वर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपने भी सुना होगा अफजाल अंसारी के इस बयान को, भगवान की बूटी, भगवान का प्रसाद कहकर पिया जाता है गांजा, तो लीगल क्यों नहीं कर देते, सवाल उठा रहे हैं अफजाल अंसारी। देखिए, यूरोपियन संघ के द्वारा जो वहां के कुछ हिप्पी संस्कृति के लोग हैं, उन लोगों के द्वारा ये मांग की गई थी, ठीक है, कि मारिजुआना को कहीं ना कहीं उसको लीगलाइज कर दिया जाए, उसको कानूनीकरण कर दिया जाए। ये कहीं ना कहीं से मुद्दे उठाते हैं, पर इनको उसका इतिहास जानना चाहिए, उसके पीछे का महत्व जानना चाहिए, उसको जानना नहीं चाहते। ये सिर्फ कुछ ना कुछ मुद्दे ऐसे उठा लेंगे, बिंदु ऐसे उठा लेंगे जो कि राजनीतिक रूप से ये उठा करके विवाद पैदा कर सके। हमने कभी बात करी कि निर्दोष पशुओं के रक्तपात जो होते हैं त्योहारों के नाम पर उनको रोका जाए, हम वो भी करते हैं। आप बात करना चाहते हैं यदि किसी भी प्रकार के वैमनस्य की या किसी भी प्रकार के संघर्ष की, तो हमारे पास में मानवीय आधार के अनेकानेक बिंदु है आक्रमण के लिए। किंतु रही बात हम साधु संतों के रहन सहन, हमारी जीवन शैली के ऊपर, हमारी साधना शैली के ऊपर ये लोग जो टिप्पणी करते हैं, इनको ये समझना होगा कि 1780 का सन्यासी क्रांति जो थी, हम साधु संतों ने क्यों करी, मिलिट्री के साथ में जो स्थिति होती है, हमारे सैनिकों के साथ जो स्थिति होती है, वो हमारे नागाओं की स्थिति होती है। क्या हम में से किसी भी व्यक्ति ने सामाजिक स्तर पर किसी भी व्यक्ति को हमारे नागाओं ने, हमारे साधु संतों ने किसी भी प्रकार के नशे में धकेला है क्या? आप लोग तो सियासत की जहर में, कहते हैं ना कि आदमी में इस कदर जहर भर गया है कि विषधरों का अंश भी डर गया है। कल के अखबार में पढ़ लेना आप, इनके काटने से सांप कोई मर गया है। ये सिर्फ और सिर्फ जहर उगलने का बात करते हैं, विश्वमन की बात करते हैं, हमारी जीवन शैली पर हक किसने दिया इनको बात करने का? हमने कभी बात नहीं करी क्या भलाला के ऊपर? क्या सोचकर बयान दिया गया है, और इस तीर से किस तरह के निशाने साधे जा रहे हैं, उस पर तो हम बात करेंगे ही। लेकिन सईद अंसारी साहब, पता है विवाद हो जाएगा, जरूरत क्या थी अफजाल अंसारी की इस तरह बयान देने की? क्या लग रहा है आपको, कल को कोई इस्लाम पर टिप्पणी करेगा तो विरोध तो होगा ही, अब संत समाज टिप्पणी कर रहा है तो गुस्सा जायज है ही उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरीके से बात कही गई है, इसको अगर राजनीतिक ढंग से ना देखें तो बात तो सही कही गई, ये ना देखते हुए कि वो समाजवादी पार्टी से हैं या किसी और राजनीतिक दल से हैं, बात तो सही कही गई है कि नशा जो है वो तो हर सभ्य समाज में उसको बैन करना चाहिए, बुराई है। आप ये खुद बताइए कि साधु संत हों या कोई भी, क्या ये साधु संत हिंदुस्तानी नहीं है, भारतीय संविधान के दायरे में नहीं आते क्या, संविधान के हिसाब से ये नहीं चलेंगे? आप देखिए कि नशा जो है उसकी वजह से कितनी बुराइयां आ रही हैं। तो लीगल कर रहे हैं तो उसमें तो खुश होना चाहिए, उसमें तो साधु संतों को खुश होना चाहिए अगर लीगल कर रहे हैं वो। तो नहीं तो अगर तीन तलाक की जब बात कही जा रही थी मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी के लिए, तो मौलाना विरोध क्यों कर रहे थे? नहीं, तीन तलाक और वहां तो आप ले आते हैं इस्लाम के नियमों की बात करने, शरीयत लॉ की बात करने लगते हैं आप लोग। आप चाहते हैं कि आपके धर्म का सम्मान हो लेकिन दूसरे के धर्म का सम्मान ना हो। धर्म के सम्मान में ये भी देखा जाएगा कि हमने कभी नशे को, इस्लाम ने इजाजत नहीं दी, नशे को हराम करा। आप बंद कर दीजिए शराब की सारी दुकानें, आप गांजे को और जितने नशा क्यों बंद नहीं की? हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम इस्लाम की बात करता है तो आप लोग कहते हैं कि आपको पता नहीं। अब लेकिन कोई अगर मुसलमान सनातन की बात कैसे कर सकता है? भगवान के प्रसाद की जानकारी क्या है, वो उसने क्यों रेफरेंस दिया, भगवान की बात उसने क्यों करी?
हिंदुस्तान के अंदर जितनी बात मुसलमानों को और इस्लाम को लेकर कोई कर रहा है तो मैं समझता हूँ कहीं और नहीं की जा रही थी किसी दूसरे मुल्क के अंदर। मुसलमानों की आप तीन तलाक की बात कर रही हैं, मस्जिदों के ऊपर बात हो रही है, मस्जिदों को ढहाने की बात की जा रही है, वक्फ के ऊपर बात हो रही है, यहाँ तक के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा जा रहा। ड्रग्स की तस्करी में जो बहुतायत मुस्लिम देश और मुस्लिम लोग इसमें शामिल है वो आपका प्रतिनिधित्व नहीं करते, उनकी बुराई आप नहीं कर सकते थे। जो अफजल भाई के भाई लोग जो इसकी तस्करी में लगे, मैंड्रेक्स की, हेरोइन की, पाकिस्तान जैसे मुल्क है, इस्लामिक कंट्रीज है जो बदनाम है इस बात को लेकर, और आपको पता है इसका पैसा टेरर फंडिंग में जा रहा है। ये यदि देखा जाए, आप जिस बात को कह रहे हैं ये बड़ा विषय है और दुर्भाग्य से आपके बहुत लोग इसमें शामिल हैं, तो उसकी बात करते बनिस्बत की एक भाग या मरीजवाना की बात करना है जिसका कि कोई किसी भी किस्म का हो उसको बैन होना चाहिए, किसी भी जो भी तस्करी कर रहा है उसको भी उसके भी खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने तो भगवान के प्रसाद का रेफरेंस देते हुए कहा कि इसे लीगल कर लीजिए, लेकिन बात यह है कि रेफरेंस दिया क्यों? ये नशे के विरुद्ध लड़ाई नहीं है, यदि ऐसा होता तो एक अलग पर्सपेक्टिव। नशे और सनातन को जोड़ने की बात सियासी बयान कैसे कही गई है, ये बड़ा सवाल है ना यहाँ पर। भगवान के प्रसाद का रेफरेंस क्या है, सनातन धर्म में उसका वर्णन क्यों किया गया था, वो क्या महत्व है, वो तो अफजल अंसारी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती एक आम हिंदू होने के बावजूद भी, लेकिन महामंडलेश्वर जी कह रहे हैं ना कि उसका अलग रेफरेंस है, बिना जाने बिना समझे आपने कैसे कह दिया। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर नशा हो रहा है वहां पे, गांजे का हो या किसी और का, मैंने तो उसकी भी मदम्मत की जो तिरुपति में हुआ कि अगर किसी की आस्था है और उस आस्था में ये है कि ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, जिसको उससे परहेज है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप ये बताइए कि अगर नशे नहीं, वो आपकी बात ठीक है, मैं उस पर नहीं कह रही हूँ, मैं इस पर कह रही हूँ कि आप क्योंकि आपने धर्म के जानकार हैं तो आप लोगों को तो चाहिए कि आप तमाम मुसलमानों को कहे कि भाई आप किसी और के धर्म पर टिप्पणी ना करें, बेहतर रहेगा, उससे सौहार्द बनेगा। जो आप दूसरे से उम्मीद करते हो तो आपको अपने पर लागू करना चाहिए। वही तो कह रहा हूँ, इसकी आड़ लेकर नशे पर प्रहार नहीं है, इसकी आड़ लेकर हिंदू साधु संतों और उनकी परंपराओं पर, बिल्कुल यही बात है, ये दुखद है जी। ठीक है, सही बात है, डॉक्टर राम पांडे को भी शामिल कर लेते हैं, सही सब आऊंगी आपके पास। मुसलमानों के ऊपर डॉक्टर राम पांडे सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, डॉक्टर राम पांडे जी क्या सवाल है आपका? सर यूपी से लेकर एमपी तक घमासान मचा हुआ सवाल आप सुनना चाह रहे हैं, मेरा ये कहना है क्योंकि बड़ी सहयोगी पार्टी है कांग्रेस की समाजवादी पार्टी, वहां से एक सांसद का इस तरह का बयान, क्या लगता है जरूरी था इस तरह की टिप्पणी करना? नहीं देना चाहिए था, और मैं तो कहूंगा देश में इस तरह का बयान किसी भी विपक्षी पार्टी को नहीं देना चाहिए, बयान सही हो या गलत हो। कारण यह है कि इन्हीं बयानों के कारण भारतीय जनता पार्टी जिंदा है, वरना तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा ही यही है, इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा है नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महंगाई है, रोजगार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश को आगे ले जाने की बात है, उसको तो भारतीय जनता पार्टी को करना नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का फेवरेट सब्जेक्ट है, भारतीय जनता पार्टी इसी पर लाना चाहती है, और नेता गलती कर देते हैं, सही है या गलत है ये बात की बात है, लेकिन पहले इस बात की बहुत प्रशंसा की जाती थी, निंदक किनारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन सामना निर्मल करे सुहाए, यह निंदा करने वाले की प्रशंसा होती थी। अब ये बात नहीं है, पहले हर धर्म के लोग हर धर्म के बारे में सवाल जवाब करते थे, और किसी भी धर्म में नशा वैध है, कोई भी साधु संत हो, मुल्ला मौलवी हो, कोई भी नशा नहीं करता है, सब इससे दूर रहते हैं, और यदि कोई नशा कर रहा है तो वो साधु संत है ही नहीं, यदि किसी में बुराइयां हैं तो वो ना साधु है ना संत है ना मुल्ला है ना मौलवी है, यदि जो अच्छाइयां हैं वो किसी के अंदर है तो वो संत है, और नहीं है तो फिर वो गलत है। तो हर अच्छी चीज का स्वागत करना चाहिए। और बड़ी बात तो ये है डॉक्टर राम पांडे की निंदा ना इंसानों की जाती है, ईश्वर की नहीं। ईश निंदा को लेकर क्या सजा मिलती है, पड़ोसी देश उसका एग्जाम्पल है, लेकिन बड़ी बात भोलेनाथ को लेकर ये कहना, भोलेनाथ को तो कहा जाता है कि वो दैत्यों के भी भगवान है और दानव देवों के भी, उसके बावजूद इस तरह की टिप्पणी करना, ये इरेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है ना सनातन को लेकर। जी मैंने शुरू में ही कहा था ना, इससे बीजेपी को फायदा होता है, वरना बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी।
नहीं बोलना चाहिए। ये बयान आप लोगों के लिए संजीवनी का काम करते हैं। देखिए मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ और इसलिए सहमत हूँ कि ये बात सच है कि जब भी हिंदू मान्यताओं साधु संतों पर किसी भी उद्देश्य से, और ये तो बेहद सियासत भरा बयान है, यदि कोई अटैक करेगा तो हम तो फ्रंट लाइन पे आएंगे। हमारा घोषित एजेंडा है अपना जी, इसमें हमको शर्म भी नहीं आती, कांग्रेस को आती होगी शर्म, हमें नहीं आती। शॉट के लायक बॉल है तो मारेंगे सिक्सर। हम तो प्रोटेक्ट करते हैं हिंदू मान्यताओं को, तो इसलिए मेरा मानना यह है कि ये हिदायत होती तो फिर भी एक बार की स्वीकार होती, और किसके थ्रू मैसेज आया है मेरे को नहीं लगता है कि ये सांसद जी डिजर्व करते हैं इस प्रकार की बात करने के लिए, क्योंकि ये और इनके कई साथी लिप्त हैं नशे के कारोबार में, और मैं नशा मतलब हार्डकोर नशे की बात कर रहा हूँ। मैं महाकालेश्वर मंदिर के भांग के सेवन को या भांग के मैरिजुआना के प्रोडक्ट के उपयोग को लेकर मैं फिर कह दूं कि हमारी मान्यताओं में बहुत जगह इसका स्थान है और इसका स्थान पूजा से संबंधित है, इसको और इसको कोई टच करेगा तो साहब हम तो आएंगे आगे, हमें शर्म नहीं आती इसमें ना, हम इसको कोई तटस्थ होके कोई बात कहते हैं कि ऐसा होता तो वैसा होता, वोट बैंक फलाना ढिकाना, हम जब दो थे तब भी ये बात करते थे अपर्णा जी, आज हम जब 20 राज्यों में हैं तब भी हम ये बात करते हैं, और हमें कोई शर्म नहीं है इस बात को लेकर। कोई भी सियासत यदि हिंदू मान्यताओं साधु संतों के ऊपर उनके कंधे पर बंदूक रखकर या उनकी तरफ गोली चलाकर की जाएगी तो हम तो इसका विरोध पुरजोर करेंगे, हमें वोट मिले या ना मिले। हम इटली, हम रोम की पार्टी नहीं है साहब, हम राम की पार्टी है और हमें इसमें कोई शर्म भी नहीं है। देखिए अपर्णा जी, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है, तो जिसको आती है वो आती रहे साहब, और देश तय करता रहेगा उसको किसको सपोर्ट करना है, ठीक है। पर ये हिदायत नहीं है, ये सियासत है, और गंभीर और घातक सियासत है जो इन सांसद जी ने कहा है। स्वामी जी, जी बिल्कुल, देखिए अपर्णा जी ये बात सत्य है कि कौन सी वस्तु उचित है, कौन सा व्यक्ति उचित है, कौन सी धारणा उचित है, कौन सा विश्वास उचित है या अनुचित है, ये अलग बहस का मुद्दा होता है, किंतु उसके लिए स्थान होता है, उसके लिए व्यक्ति होता है, उसके लिए समय होता है। जिस स्थान पर, जिस व्यक्ति द्वारा, जिस समय पर बोला गया है, इसके पीछे स्पष्ट स्वामी जी आगे की बात पर एक और सवाल, क्या जिस तरह से अखिलेश यादव ने मठाधीशों को लेकर बयान दिया, क्या उसी से जो पार्टी के अन्य नेता है, अन्य सांसद है, उनको बल मिलता है कि वो भी ऐसे इस तरह के बयान दे देते हैं? देखिए एक बात बताता हूँ, वो बेहद बड़ी पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने बयान बड़ी गंभीरता से देना चाहिए था। आपको ये स्पष्ट करना चाहिए कौन सा मठाधीश माफिया है, किस मठाधीश के ऊपर माफिया एक्ट लगा है, गैंगस्टर एक्ट लगा है, किस मठाधीश के ऊपर कौन सी कार्रवाई कब हुई है। जब तक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा, जब तक उसका कोई आपराधिक संज्ञान नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, जब तक आप किसी भी वर्ग के ऊपर, किसी भी व्यक्तित्व के ऊपर, किसी भी संगठन के ऊपर, किसी भी संप्रदाय के ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते। हम जितनी भी बात करते ठोस आधार पर करते हैं। हमने अहिंसा की बात करी, हमने अहिंसा की बात करी तो हमने सिर्फ और सिर्फ मानव अहिंसा की, जीव अहिंसा की बात करी। यदि जीव की बलि भी दी जाती है तो हम उसके खिलाफ बात करते हैं और हम अपील करते हैं, किंतु हमने कभी जाकर के किसी के त्योहार के अंदर जाकर के जीव हिंसा को रोका है। परंतु जहां तक हमारे आराध्य गो की बात हुई तो हम स्पष्ट होकर के सामने प्रखर रूप से आए, मुखर रूप से हमने बात करी। रही बात इसके राजनीतिकीकरण की, तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि इनका एक हिडन एजेंडा रहता है राजनीतिज्ञों का। मैं किसी पक्ष के या विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं समस्त राजनीतिज्ञों की बात कर रहा हूं। इन्हें धर्म से दूर रहना चाहिए, इस प्रकार के मुद्दों से दूर रहना चाहिए, राजनीति एजेंडे को साधते हुए धर्म पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। सैयद साहब, नहीं, कोई धर्म पर टिप्पणी नहीं की है, जो सच है वो सच बयान किया है, और सच हमेशा कड़वा होता है, ये बताया है उन्होंने। नहीं, साधु संत नशा करते हैं, और कितने साधु संत इस्लाम में, इस्लाम में सुनिए, आप मौलाना तस्करी करते हैं, अरे जो मौलाना तस्करी कर रहा है उनको सजा दीजिए, जो धर्म, जो देश ऐसे हैं जो इसमें लिप्त है पूरी तरीके से, जो देश है उनके खिलाफ कर रहे हैं, मगर ये आप देखिए जेल में पड़े हुए हैं, जो
जो गलत करेगा उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हम भी मांग करते हैं, हम तो ये मांग कर रहे हैं कि हर नशे को बैन कर दीजिए, आप ऐसे सारे नशों को बैन कर दीजिए। सैयद साहब देखिए, तो अभी बोलूंगा, देखिए क्या है, अगर जेल में है, अगर तो कौन जेल में भी हो जाती, अगर आईना दिखाना गलत है, अगर बताया है तो उसको जोड़ना, उसको बताना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हां साहब हमारी गलती है, फिर वही बात आ जाती है। फिर नहीं, लेकिन यही लिबर्टी जो आपकी है ना सैयद साहब, वो गलत नजीर पेश करती है समाज में, इसीलिए आतंकियों के जनाजे में भी लोग शामिल हो जाते हैं, यही एक गलत नजीर है। अगर नशा करना, अच्छा नशा करने वाले को के आपको संरक्षण, बात नशे की हो ही नहीं रही यहां पर, साधु संत बात बात भगवान के रेफरेंस का इस्तेमाल करने की हो रही है। अरे आप कहीं गांजा क्या है, आप ये बताइए, गांजा नशा नहीं है, भगवान के प्रसाद की बात कैसे कहेंगे उसको, आप भगवान का प्रसाद कहेंगे तो वो नशा धर्म को कहेंगे, वो नशे में लिप्त ही रहेगा, भगवान का प्रसाद कहेंगे। नहीं नहीं, बात सिंपल इतनी है कि आप कुछ भी कीजिए, भगवान के प्रसाद है, भगवान के नाम का रेफरेंस अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। रामगिरी महाराज हमारे नबी को बुरा भला कह रहे हैं, वो सब ठीक है, वो ठीक है, तो बदला ले रहे हो भाई, बदला लेने आप बदला ले रहे हो, उसके बाद क्या हुआ भागलपुर में, मौलाना साहब बदला लेना चाहते हो, भागलपुर में क्या हुआ मौलाना साहब, इसलिए समर्थन कर रहे हो, छतरपुर में सत्य बात कर रहे हो, क्या हुआ छतरपुर में, चाहते हो या दंगे चाहते हो, वही तो मैं आपके से कह रहा हूं सवाल, अगर किसी ने कोई बात उनने बोला तो हम ये बोलेंगे, बताइए कि साधु संत गांजे का इस्तेमाल नहीं करते, आप बदला लेना चाहते हो, गांजे का इस्तेमाल, आप बदले में उतार रहे हैं क्या, शांति की बात कर रहे हैं, आप ये कह रही हैं, आपने कहा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, आपको खंडन करना चाहिए, शामिल होने के लिए और यूपी से लेकर एमपी तक मचा है सियासी घमासान क्योंकि अफजाल अंसारी का सामने आया एक बयान। खबरें लगातार जा रही है, आप जुड़े रहिएगा।